देश को गरीबी से मुक्ति मिले, गरीब से गरीब परिवार को आगे बढ़ने का अवसर मिले, यही सच्चा सामाजिक न्याय है। अपने किए हुए विकास के वादे की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और कई कल्याणकारी योजनाओं से महाराष्ट्र की आम जनता को लाभान्वित किया जा रहा है। पीएम किसान योजना। पीएम किसान योजना के तहत देश के किसान परिवारों को कुल 21,000 करोड़ की धनराशि की 16वीं किस्त का वितरण किया जा रहा है। महाराष्ट्र के लगभग 88 लाख किसान परिवारों को लगभग 2000 करोड़ रुपयों का लाभ दिया जाएगा। ये अनुदान राशि आधार से जुड़े बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई है। नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना। माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी के मार्गदर्शन में और माननीय उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस और माननीय उपमुख्यमंत्री श्री अजीत दादा पवार जी के प्रयास से नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना का प्रावधान किया गया है। महाराष्ट्र राज्य के हर लाभार्थी को 3 समान किस्तों में केंद्र सरकार से 6,000 एवं राज्य सरकार से 6,000 ऐसे कुल 12,000 रुपए प्रतिवर्ष भुगतान किया जाएगा। आज इस योजना के तहत राज्य के लगभग 86 लाख लाभार्थी किसान परिवारों को इस समारोह में दूसरी और तीसरी किस्त का लगभग 3,800 करोड़ का लाभ सीधे आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण अभियान। इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा महिलाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत 5.5 लाख महिला बचत समूहों को 800 करोड़ से अधिक रुपयों के निधि का वितरण और स्वयं सहायता समूहों को अतिरिक्त 900 करोड़ से अधिक रुपयों का प्रावधान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विचारों से इस योजना की पहल की गई थी। अब तक महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में से 10 प्रकल्प पूरे हो चुके हैं और 17 प्रकल्प प्रगति पथ पर हैं। इन 27 प्रकल्पों का सिंचाई क्षेत्र 5.5 लाख हेक्टर से अधिक है, जिसमें से 19,000 करोड़ रुपयों से अधिक की लागत से अब तक 3,75,000 हेक्टर क्षेत्र सिंचाई योग्य बनाया गया है। इन परियोजनाओं में से 11 बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं विदर्भ और मराठवाड़ा जिलों में हैं, जिनमें से 1683 करोड़ रुपयों से अधिक की लागत से 6 परियोजनाएं पूरी होकर 2,41,000 हेक्टर क्षेत्र सिंचाई योग्य बन चुका है। बड़ी राजा जल संजीवनी योजना। मराठवाड़ा विदर्भ में केंद्र सरकार ने सन 2018-19 में बड़ी राजा जल संजीवनी योजना की शुरुआत की। इस योजना में कुल 91 परियोजनाएं शामिल हैं, जिसमें से 11,000 करोड़ की लागत से अब तक 46 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिस कारण 1.5 लाख हेक्टर से अधिक क्षेत्र सिंचाई क्षम बन चुका है। इन परियोजनाओं में से 86 सिंचाई परियोजनाएं सिर्फ विदर्भ और मराठवाड़ा के जिलों में हैं, जिसमें से 1180 करोड़ रुपयों की लागत से 50,000 हेक्टर की सिंचाई क्षमता की 45 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिनके कारण अमरावती, यवतमाल, नांदेड़, बीड, वाशिम, छत्रपति संभाजीनगर, अकोला, बुलढाणा, लातूर आदि जिलों के किसानों को भारी मात्रा में लाभ हुआ है। सड़क एवं रेलवे परियोजना। इन योजनाओं के साथ साथ 675 करोड़ की लागत से बनी हुई 39 किलोमीटर की वर्धा कलम और 645 करोड़ की लागत से बनी हुई 32 किलोमीटर की न्यू आष्टी अमलनेर ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का उद्घाटन। इसी कार्यक्रम में इन रेलवे लाइन पर चलने वाली नई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई जाएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की पहल से बनाए गए 4 लेन वाले वरोरा से वणी तथा साकोली से भंडारा और सलाई खुर्द से तिरोरा, इन राजमार्गों का राष्ट्र को समर्पण किया जा रहा है। मोदी आवास घरकुल योजना। ग्रामीण विकास के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी कल्याण विभाग ने मोदी आवास घरकुल योजना की घोषणा की थी। इस उपक्रम के अंतर्गत तय किए गए 10 लाख घरों में से पहले वर्ष 3 लाख घरों को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत कुल 10 लाख लाभार्थियों में से पहले 2.5 लाख लाभार्थियों को 375 करोड़ रुपए की राशि पहली किस्त के रूप में डिजिटली ट्रांसफर कर दी गई है। दीनदयाल उपाध्याय जी के पुतले का अनावरण। दीनदयाल उपाध्याय जी के ब्रॉन्ज से बने 40 फुट ऊंचे पुतले का अनावरण यवतमाल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों किया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना। इस योजना के लाभार्थी परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपयों का इलाज निजी एवं शासकीय चिकित्सालयों में उपलब्ध है। भर्ती होने से 7 दिन पहले तक की जांचें, भर्ती के दौरान उपचार व भोजन और डिस्चार्ज होने के 10 दिन बाद तक का चेकअप व दवाएं निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य की 1 करोड़ की गरीब जनता को इस योजना के तहत आयुष्मान कार्ड वितरित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रातिनिधिक स्वरूप में 3 परिवारों को आयुष्मान कार्ड
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 3 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत 4 स्वयं सहायता समूहों को ई रिक्शा की चाबी की प्रतिकृति प्रदान हो रही है। इन सारी उपलब्धियों का उद्देश्य समाज के उपेक्षित वर्गों और लोगों को अपना जीवन मान सुधारने के लिए समान संधि का अवसर देना है, और यही है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नारा, एक और कदम विकसित भारत की ओर।